सो हेलो एवरीवन, हम लोगों ने पिछले लेक्चर में किया था लोकोमोशन एंड मूवमेंट. लोकोमोशन मूवमेंट में हमने देखो ये पूरा ट्री डायग्राम देखा था, जिसमें हमको पांच इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ने थे. इस चैप्टर में टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स पढ़ने थे, मसल्स, स्केलेटल सिस्टम, जॉइंट्स और डिसऑर्डर्स ऑफ मस्कुलर एंड स्केलेटल सिस्टम. टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स हमने पढ़ लिया था, अब हमें मसल्स पढ़ने. टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स में आप रिविजन कर लो, अमीबॉइड मूवमेंट्स होते हैं, सीलियरी मूवमेंट और मस्कुलर मूवमेंट. आपके एनसीईआरटी में ये सब कुछ है. अमीबॉइड मूवमेंट्स कौन दिखाते हैं? डब्ल्यूबीसी और मैक्रोफेजेस. और हमने बोला था कि डब्ल्यूबीसीज को क्या बोलते हैं, और ल्यूकोसाइट. सीलियरी मूवमेंट ब्रोंकियल्स में देखने को मिलते हैं, ट्रखिया में, फैलोपियन ट्यूब में. एंड मस्कुलर मूवमेंट जो मसल से रिलेटेड होते हैं, लिम्स, जॉज और टंग से. इसको हमने डिटेल में स्टडी किया था और 15 क्वेश्चंस भी किए थे. आज हम लोग करेंगे मसल्स, जिसमें स्केलेटल मसल्स, स्मूथ मसल्स और कार्डियक मसल्स आते हैं. ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं फिर मसल स्टडी करना. तो देखो ये है लेक्चर 2, जिसमें हम मसल स्टडी करेंगे. मसल सबसे पहले तो स्पेशलाइज्ड टिश्यू, एक स्पेशल टिश्यू है जो मेसोडर्मल ओरिजिन का है. ठीक है, तो याद रखने को ईजी होता है. जैसे तीन टाइप के ओरिजिन होते हैं, एंडोडर्मल, एक्टोडर्मल, मेसोडर्मल. तो एम फॉर मसल, एम फॉर मेसोडर्मल याद रख लो. अब बॉडी वेट जो होता है हमारा, वो मसल कितना कंट्रीब्यूट करती है बॉडी वेट में, तो 40-50% जो हमारा बॉडी वेट होता है वो सिर्फ मसल्स की वजह से होता है. ठीक है, मसल के पास और क्या प्रॉपर्टीज़ होती है देखो, एक्साइटेबिलिटी, कॉन्ट्रैक्टिलिटी, एक्सटेंसिबिलिटी एंड इलास्टिसिटी. ठीक है, ये सब प्रॉपर्टीज़ है. अभी अलग अलग लोकेशन पे मसल्स होते हैं, पूरे बॉडी में मसल्स होते हैं, उनका अपीयरेंस अलग है, उनका नेचर अलग है. उसके बेसिस पे देखो, अभी हमारे सिलेबस में क्या है, सिर्फ लोकेशन के बेसिस पे कि कहाँ प्रेजेंट होते हैं, उनके बेसिस पे मसल 3 टाइप्स में डिवाइडेड है. ठीक है, स्केलेटल मसल, विसरल और कार्डियक मसल. ठीक है, किसके बेसिस पे? लोकेशन के, कहाँ पे वो सिचुएटेड है उसके बेसिस पे. ठीक है, तो हम ये 3 मसल्स पढ़ेंगे, स्केलेटल मसल, विसरल और कार्डियक मसल इस वीडियो में. ठीक है, स्केलेटल मसल आप एनसीईआरटी है आपके पास तो एनसीईआरटी में देख सकते हैं, साथ ही साथ चलेगा पेज नंबर 303 पे देखने को मिलेगा स्केलेटल मसल्स. स्केलेटल मसल नाम से ही लग रहा है, स्केलेटल, स्केलेटन के पास होंगे, उससे अटैच होंगे. देखो वही लिखा, स्केलेटल मसल आर अटैच टू बोन्स, बोन्स स्केलेटन के बोन्स पे अटैच है. ठीक है, सबसे पहले तो ये हो गया. अब देखो कैसे है वो स्ट्रिप्ड या स्ट्रेटेड अपीयरेंस. ठीक है, उस देखने में ऐसा लगता है कि वो स्ट्रेटेड है या उसके ऊपर स्ट्रिप्स है. ठीक है, इसलिए उसको स्ट्रेटेड मसल भी बोलते हैं, इसी वजह से उसको स्ट्रेटेड मसल भी बोलते हैं. ठीक है, तो पहला पॉइंट कि स्केलेटल मसल है तो स्केलेटन से मतलब बोन से अटैच होंगे, और फिर उनमें स्ट्रिप्ड अपीयरेंस है तो इसलिए उसको या स्ट्रेटेड अपीयरेंस बोल सकते हैं, इसलिए उसको स्ट्रेटेड मसल्स बोलते हैं. ठीक है, इसके बाद सेकेंड जो मसल आता है वो विसरल मसल है. विसरल मसल कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? याद रखो ये हॉलो ऑर्गन्स, इनर ऑर्गन्स में, बॉडी के अंदर के जो हॉलो ऑर्गन्स होते हैं उसमें प्रेजेंट होते हैं विसरल ऑर्गन्स में. विसरल को बोलते हैं हम स्मूथ होते हैं. ठीक है, जैसे कि एलिमेंट्री कैनल है हमारा, जिसमें हमने देखे थे कि स्टमक, इंटेस्टाइन आता है. ठीक है, फिर ब्लड वेसल्स, स्मूथ मसल्स आर ऑल्सो फाउंड इन यूरिनरी ब्लेडर, यूटेरस, इरिस, आयरिस, यहाँ सब पे प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, सीलियरी बॉडी और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, इन सब जगह पे, मतलब बॉडी के अंदर जो भी ऑर्गन्स है, हॉलो ऑर्गन्स है, एलिमेंट्री कैनल है, वहाँ पे सब जगह पे कौन से मसल प्रेजेंट होते हैं? विसरल मसल. अब आपको याद है स्केलेटन मसल का स्ट्रेटेड अपीयरेंस था, यहाँ पे स्ट्रेटेड अपीयरेंस नहीं है, नॉट एग्जिबिट एनी स्ट्रिएशन, वो स्मूथ लगते हैं, स्ट्रेटेड नहीं लगते हैं, इसलिए वहाँ पे स्केलेटन मसल को स्ट्रेटेड मसल बोल रहे थे, यहाँ पे स्मूथ मसल बोलेंगे या फिर नॉन स्ट्रेटेड मसल. ठीक है, आप देखो ये वॉलेंट्री कंट्रोल में नहीं है, मतलब वॉलेंट्री मतलब हमारे खुद के कंट्रोल में, हम मूवमेंट कर सकते हैं. जैसे देखो स्केलेटल मसल वॉलेंट्री मसल्स थे, कैसे हम, जैसे कि हमारे बोन्स, हाथ के बोन्स है उससे अटैच है मसल्स. ठीक है, हम हैंड को मूव कर सकते हैं, हमारे हाथ में है वो कि हम कब मूव करेंगे कब नहीं करेंगे. ठीक है, तो जो हमारे कंट्रोल में उसको वॉलेंट्री बोलते हैं. लेकिन ये मसल्स लाइक स्टमक के मसल्स, स्टमक के मसल्स हमारे कंट्रोल में है कि हम तब चाहे उसको कंट्रोल कर सकते क्या नहीं, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है. ठीक है, वॉलेंट्री नहीं है, इनवॉलेंट्री है. ठीक है, ओके, तो इसको इनवॉलेंट्री मसल भी बोलते हैं. देखो एग्जांपल में क्या लिखा है कि फूड का ट्रांसपोर्टेशन या फिर गैमेट का ट्रांसपोर्टेशन, ये हम नहीं करते हैं, ये खुद होता है न्यूरल सिस्टम से, नर्वस सिस्टम से, लेकिन हमारे हाथ में नहीं है, तो इसको हम इनवॉलेंट्री बोलेंगे. तो विसरल मसल को क्या क्या बोल रहे हैं? स्मूथ मसल बोल रहे हैं, स्मूथ या नॉन स्ट्रेटेड बोल सकते हैं, और इनवॉलेंट्री भी बोल रहे हैं. ठीक है, कार्डियक मसल थर्ड आता है. देखो
कार्डियक मसल नाम से ही लग रहा है, कार्डियक हार्ट, हार्ट के मसल्स को बोल रहे हैं। सबसे पहले ब्रांच स्ट्रक्चर है ये, ठीक है, ब्रांच्ड मसल्स होते हैं। इसके बाद क्या लिखा है कि कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू प्रेजेंट होता है, ये मतलब कार्डियक मसल टिश्यू जो है वो कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट होने वाला। ओके, अपीयरेंस के बेसिस पे ये स्ट्रेटेड है, जैसे स्केलेटल मसल स्ट्रेटेड थे ना वैसे ही ये स्ट्रेटेड है, लेकिन ये इनवॉलंटरी है। सबको पता है इनवॉलंटरी, इनवॉलंटरी मतलब हमारे खुद के कंट्रोल में नहीं है। हार्ट बीट होना हमारे कंट्रोल में होता है कि जब चाहे हार्ट बीट करे तब चाहे रोक ले, नहीं ना, तो इसको इनवॉलंटरी बोलते हैं, ठीक है। डू नॉट, देखो क्या लिखा है, इन नेचर एज नर्वस सिस्टम डू नॉट कंट्रोल दर एक्टिविटीज डायरेक्टली, डायरेक्टली कंट्रोल में नहीं होते, ठीक है। ओके, हमने जो तीनों भी मसल्स पढ़े हैं इनको हम शॉर्ट में देख लेते हैं इस टेबल में। मसल सबसे पहले स्केलेटन मसल कैसे होते हैं, स्ट्रेटेड अपीयरेंस होता है, राइट, और हम अंडर कंट्रोल भी है, वॉलेंट्री बोलेंगे। जैसे देखो इन्वॉल्व इन लोकोमोटर रिएक्शन, लोकोमोटर रिएक्शन मतलब हम एक प्लेस से दूसरी जगह जाना चाहते हैं, एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे, वहाँ पे बॉडी का पोस्चर चेंज करना चाहते हैं तो होगा। विसरल मसल, इसको और क्या बोल रहे हैं, स्मूथ मसल या नॉन स्ट्रेटेड या अनस्ट्रेटेड मसल, इनवॉलेंट्री होते हैं ये। देखो जो फूड ट्रांसफर हो रहा है लाइक एलिमेंट्री गैनल में प्रेजेंट होते हैं, गैमेट्स ट्रांसफॉर्म में, ये सब कुछ फंक्शंस होते हैं। कार्डियक मसल हार्ट से रिलेटेड है, स्ट्रेटेड अपीयरेंस होता है लेकिन इनवॉलेंट्री है, हार्ट वॉल ऑफ हार्ट और नोडल टिश्यू में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये एक्स्ट्रा पॉइंट है कि मसल के स्टडी को क्या बोलते हैं, मायोलॉजी और सैक्रोलॉजी, ठीक है। पूरे जो एक्स्ट्रा पॉइंट है, टोटल नंबर ऑफ मसल्स कितने, 639 मसल्स है हमारे बॉडी में, ठीक है। और लार्जेस्ट मसल कौन सी, वो भी गिवन है, ग्लूटियस मैक्सिमस, ठीक है। ओके, ये ब्रेन ट्विस्टर बोल के एक्स्ट्रा पॉइंट है, ये आप लोग लर्न कर लो, हम अगर आप बोले तो, अगर चाहे तो इसका हम लोग एक शॉर्ट वीडियो बना के इसका शॉर्ट अपलोड कर देंगे ताकि ये नोट्स आपके पास रह सके, ठीक है। ब्रेन बूस्टर और ब्रेन ट्विस्टर बोल करें, ठीक है। यहाँ पे ये तो मसल्स पूरे कंप्लीट हो गए, बहुत इजी था। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसके कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। ओके, 15 क्वेश्चंस पिछले जैसे 15 क्वेश्चंस करेंगे। देखो क्या है, पहले इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। अबाउट 45-50% बॉडी वेट कॉन्ट्रीब्यूट करता है मसल, नहीं ये तो रॉन्ग है, पहला ही स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। ओके, मसल है वह स्पेशलाइज प्रॉपर्टी लाइक, हाँ ये सब प्रॉपर्टीज़ होते हैं। लोकेशन के बेसिस पर मसल को स्केलेटल स्मूथ और कार्डियक बोला है क्या, देखो लोकेशन की बेसिस पे स्मूथ तो नहीं बोला है, विसरल बोला है, ठीक है। तो हम ये आंसर को रॉन्ग करते हैं, आंसर ए आ जाएगा, ये स्टेटमेंट रॉन्ग होगी। इसके बाद देखो करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, स्टेटमेंट पढ़ लो, आंसर क्या आएगा, आंसर सी है इसका, दे आर डिराइव फ्रॉम मेसोडर्म एंड आर वॉलेंट्री, राइट। मेसोडर्मल एम फॉर मसल, एम फॉर मेसोडर्म एंड वॉलेंट्री होते हैं, कौन सा, स्केलेटल मसल वॉलेंट्री, हाँ होते हैं। अब देखो विसरल मसल के बारे में कौन से, लोकेटेड ऑन इनर वॉल्स हॉलो ऑर्गन, राइट, एनी स्ट्रेशन नहीं है, हाँ स्ट्रेशन नहीं है, ओके, और वॉलेंट्री कंट्रोल में नहीं है, मतलब इनवॉलेंट्री है, सभी स्टेटमेंट राइट है। अब ये देखो ये एनसीईआरटी में आपके डायग्राम गिवन है कि कौन सा है, एनसीईआरटी का डायग्राम देखो, आप एनसीईआरटी खोल कर आपको देखने को मिलेगा, ये स्केलेटल मसल है जो स्ट्रेशन भी दिखा रहे हैं और जो बोन से अटैच है, लिम्ब से अटैच है। स्मूथ मसल फाइबर में इंटर कौन सा है, ये भी आपको एनसीईआरटी के डायग्राम में दिखेगा, स्पिंडल शेप के होते हैं, ब्रांच नहीं होते, ब्रांच कौन से होते हैं, यस ब्रांच्ड होते हैं, कार्डियक मसल अनस्ट्रेटेड है, यूनि न्यूक्लेटेड, एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और इनवॉलेंट्री है, हाँ बिल्कुल राइट है। ये हमारे 5 क्वेश्चंस हो गए। उसके बाद देखो क्या है, ये 6th क्वेश्चन, डैश असिस्ट इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड थ्रू द डाइजेस्टिव ट्रैक इन गैमेट्स थ्रू द जेनाइटल ट्रैक, ये बहुत ईजी विसरल। अभी देखिए फूड और गैमेट्स जेनाइटल ट्रैक में, विसरल मसल, मसल ओरिजिन कहाँ से हुए, वही एम फॉर मसल, एम फॉर मेसोडर्म, ओके। मल्टी न्यूक्लिएटेड कौन से होते हैं, वॉलेंट्री मसल, ठीक है। कार्डियक मसल स्ट्रेटेड है, इनवॉलेंट्री है, हाँ ये सबको आता है। स्केलेटल मसल के क्या कौन से कैरेक्टर्स है, सब कैरेक्टर्स होते हैं, एक्साइटेबिलिटी, एक्सटेंसिबिलिटी, कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी, सभी होते हैं। मसल्स आर, मसल ऑफ हार्ट आर, हार्ट के मसल स्ट्रेटेड होते हैं, इनवॉलेंट्री होते हैं, कंट्रोल में नहीं होते। यस, टोटल नंबर ऑफ मसल इन द बॉडी 639, हमने अभी देखे थे कि ब्रेन बूस्टर में हमने ये पढ़े थे कि 639 मसल्स होते हैं। ओके, गैस क्या लिखा है, ये देखो गैस्ट्रोकनियमस इज अ मसल ऑफ शैंक,
ओके, मसल रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट ऑफ फूड इन द स्टमक. स्टमक मतलब स्मूथ, एलिमेंट्री कैनल मतलब अनस्ट्रेटेड, विसरल मसल होंगे अनस्ट्रेटेड. द टाइप ऑफ मसल फाइबर प्रेजेंट इन द एलिमेंट्री कैनल. एलिमेंट्री कैनल कैसा होगा, स्मूथ मसल होंगे, स्मूथ मसल फाइबर्स होंगे, राइट. तो हमारा एक और टॉपिक हो गया लेक्चर टू का, जिसमें हमने क्या पढ़े हैं, लेक्चर टू का टॉपिक हो गया है जिसमें हमने मसल्स पढ़े हैं, स्केलेटल, स्मूथ मसल, स्मूथ मसल को विसरल मसल बोलते हैं, और कार्डियक मसल, ठीक है. और हमने 15 क्वेश्चंस भी कर लिए हैं. अब जो नेक्स्ट टॉपिक है देखो, इससे रिलेटेड कौन सा है नेक्स्ट, स्केलेटल सिस्टम, जो काफ़ी बड़ा टॉपिक रहेगा, जिसमें हम एक्सियल स्केलेटन, अपेंडिकुलर स्केलेटन को बराबर से पढ़ेंगे, ये सब कुछ प्रॉपरली पढ़ेंगे. तो आज हमने मसल्स पढ़ लिए है, स्केलेटल मसल्स, स्मूथ मसल और कार्डियक मसल, ठीक है. और इसके हम लोग, हाँ, हम शॉर्ट वीडियोस नोट्स में अपलोड कर देंगे, तो वो देख लो. एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो. सब्सक्राइब करो चैनल को. नेक्स्ट लेक्चर देखेंगे ऐसे ही प्रॉपर नोट्स के साथ देखेंगे, तो आपको भी समझ में आएगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग.